हल्द्वानी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने चार लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामला हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक 21 वर्ष की युवती ने चार लोगों पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हालांकि इन चारों युवकों ने अलग अलग समय पर युवती के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं पीड़िता ने दुष्कर्म में एक युवती पर भी अपने कमरे में बंद कर दुष्कर्म कराने का आरोप लगाया है। दुष्कर्म करने के सभी आरोपी आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ नितिन लोहनी का कहना है कि पीड़ित युवती की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ 376, 328, 342, 323 और 506 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि यह मामला अगस्त 2023 का बताया जा रहा है, जहां युवती का कहना है कि बार बार अलग अलग समय पर इन लड़कों ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। देखिए, एक अभी कुछ दिनों पहले ही एक युवती के साथ 376 की एक मुकदमा किया गया है। एक कुछ उसमें पांच अभियुक्त हैं और कुछ नशीला पदार्थ खिला के युवती के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है। इसे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बहुत जल्द आगे कार्रवाई होगी। सर, कब की घटना बता रही, क्या कुछ ये जो आरोपी हैं सब आपस में जान पहचान वाले? देखिए, इसमें अलग अलग एक्चुअली ये सब अलग अलग वक्त पे घटनाक्रम हुए हैं। कुछ अगस्त में हुए हैं, कुछ जून में हुए हैं पिछले साल, और कुछ जनवरी में हुए हैं। तो ये आरोपी परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे ये लोग। तो अभी इस चीज़ में जांच भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। आरोपी लोकल के रहने वाले हैं, बाहर के हैं? इसमें सभी आरोपी जो हैं वो लोकल के ही हैं।